वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया विथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। भारत में डिजिटल भुगतान चुनौतियाँ और संभावनाएँ, तो इस पे दोस्तों आज हम आपको इंग्लिश में ऐसे बता रहे हैं विथ हिंदी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्टली आज एक इंट्रोडक्शन परिचय। डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया हैव revolution the economic and revolutionized the economic and social sector। भारत में डिजिटल भुगतान ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इकोनॉमिक मिस आर्थिक एंड सोशल सेक्टर में सामाजिक क्षेत्र, रेवोल्यूशन मिस क्रांति। द गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव has encouraged the digital payments। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया है, इनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है। इट हैज बिकम टुडे इट हैज बिकम वेरी इजी टू transact through means like UPI, mobile wallets, and online banking, full stop। आज UPI, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे माध्यमों के जरिए लेन देन करना बहुत आसान हो गया है। वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट, जो लेन देन होता है बहुत आसान हो गया है। अब डिजिटल भुगतान की संभावनाएं के बारे में दोस्तों हम बताते हैं। प्रोस्पेक्टस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स का, कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी इन ट्रांजेक्शंस। लेन देन में सुविधा और सरलता, कन्वीनियंस मिस सुविधा एंड सिंप्लिसिटी मिस सरलता। लेन देन में सुविधा और सरलता, कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी इन ट्रांजेक्शंस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन इन करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी। करप्शन मिस भ्रष्टाचार, रिडक्शन इन करप्शन, भ्रष्टाचार में कमी। फोर्थ नंबर पॉइंट है
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और फिफ्थ नंबर पॉइंट है इजी पेमेंट्स, आसानी से भुगतान। उसका दोस्तों आते हैं हम चैलेंजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इसके पॉइंट्स हम बता रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। सेकंड नंबर पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान की कमी, लैक मिस कमी होता है दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज मिस तकनीकी ज्ञान। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आते हैं, और थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरनेट एंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स, इंटरनेट और नेटवर्क की समस्या। ये हम आपको चैलेंजेस बता रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के। उसके आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की कमी, ट्रस्ट मींस भरोसा होता है दोस्तों, और लैक में जैसे मैंने आपको पहले बताया कमी होता है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट भरोसे की कमी। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स फॉर ट्रांजेक्शन्स, लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर निर्भर। तो ये था दोस्तों चैलेंजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन एंड मेजर्स पे, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस, समाधान एंड और मेजर्स मींस उपाय, इसके समाधान और उपाय पे, जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन सिक्योरिटी, सुरक्षा में सुधार, सिक्योरिटी में सुरक्षा, इम्प्रूवमेंट में सुधार। सेकंड नंबर पॉइंट है एडुकेशन, सेकंड नंबर पॉइंट है एडुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता, एडुकेशन में शिक्षा, अवेयरनेस में जागरूकता। थर्ड नंबर पॉइंट है इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट की पहुंच। आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर पॉइंट जो है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी सहयोग। ये दोस्तों इसके सॉल्यूशन एंड मेजर्स मैंने आपको बताए। आफ्टर दैट हम कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष, इसके कंक्लूजन क्या है। डिजिटल पेमेंट्स कैन टेक इंडियाज इकोनॉमी टू न्यू हाइट्स, डिजिटल पेमेंट्स कैन टेक इंडियाज इकोनॉमिक टू न्यू हाइट्स, मीन्स डिजिटल भुगतान जो है भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। डिजिटल पेमेंट्स कैन टेक इंडियाज इकोनॉमी टू न्यू हाइट्स, डिजिटल भुगतान भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, फुल स्टॉप। द फ्यूचर ऑफ डिजिटल पेमेंट इज ब्राइट, डिजिटल भुगतान का भविष्य उज्ज्वल है, डिजिटल भुगतान का भविष्य उज्ज्वल है। फुल स्टॉप। ब्राइट मीन्स दोस्तों उज्ज्वल होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य। द रिस्क एसोसिएटेड विद डिजिटल पेमेंट शुड बी
taken seriously should be taken seriously and all sections should be made a part of the system. डिजिटल भुगतान से जुड़े जोखिमों को गंभीरता से लिया जाए और सभी वर्गों को इस प्रणाली का हिस्सा बनाया जाए. The risks associated with digital payments should be taken seriously and all sections should be made a part of this system. डिजिटल भुगतान से जुड़े जोखिमों को गंभीरता से लिया जाए.